सब्सक्राइब कीजिए ई पाठशाला के चैनल को और हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो हमने पर्सनल प्रोनाउन खत्म कर लिया है, हमने प्रोसेसिव प्रोनाउन खत्म कर लिया है, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजी वाचक सर्वनाम ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक आप में से किसी ने भी नहीं सीखा हुआ है, किसी ने भी नहीं सीखा, और ये बहुत आसान टॉपिक है। बस कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। आपको ये तो अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं को आई बोलते हैं, यू को तुम बोलते हैं या आपको तुम बोलते हैं, है ना, और उसको भी इंग्लिश में यू ही बोलते हैं, वह को ही बोलते हैं, अगर वह लड़की है तो शी बोलते हैं, है ना, वे है तो दे बोलते हैं, हम है तो वी बोलते हैं, इतनी बातें तो आपको पता ही होगी। तो अगर आपको ये पता है तो आप ये आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है आप आसानी से समझ पाओगे। जैसे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के दो पार्ट हैं, एक इंटेंसिव प्रोनाउन है और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझिए। इसमें होता क्या है, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। मतलब कभी भी ऐसा काम जब सब्जेक्ट यानी कि मैं, तुम, वह, आप, कुछ भी सब्जेक्ट अपने लिए ही काम करता है, अपने लिए ही काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं मैं अपना घर बना रहा हूं, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपने लिए काम नहीं कर रहा। क्लियर है, इतना क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल एक और, मैंने कहा मैं खुद ही क्या कहते हैं साइकिल चलाता हूं, तो मैं खुद ही अपना काम कर रहा हूं। मैंने कहा मैं खुद ही कपड़े धोता हूं, तो मैं रिफ्लेक्सिव अपने ऊपर ही हो रहा है मेरी क्रिया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं अपने लिए ही काम करे उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखो सिंपल सा फैक्ट मैंने बताया, सब्जेक्ट तुम, यह, वह, रोहित, समीर, मनोज, कोई भी सब्जेक्ट जो भी वाक्य के अंदर होगा, अगर वो सब्जेक्ट अपने लिए ही काम करेगा उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पे, अब मेन यूज है आपका माय सेल्फ, मेन यूज है योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, एक ये देम सेल्फ है और एक ये योर सेल्फ है। इस सभी वर्ड्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी आपने एक ही वर्ड सुना हुआ माय सेल्फ सुना दो, अब बोलते माय सेल्फ सुना दो, तो माय सेल्फ सुनाने के लिए जो क्रिया आप करते हो वो अपने लिए तो बताते हो। मैं ये नहीं बोलता कि योर सेल्फ सुना दो, नहीं, मैं कहता हूँ माय सेल्फ सुनाओ। माय सेल्फ का मतलब है आप अपने लिए काम कर रहे हो, समझ आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में जब सब्जेक्ट अपने लिए ही काम करे वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और ये इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, और जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है ये नाउन और प्रोनाउन पे असर डालता है, जोर डालता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल सपोज मानिए आप इसे जानते हैं, बलाल देव बाहुबली के अंदर था, उसका क्या कहते हैं चाचा था, है ना, तो यहाँ पे ये कहता है मैं खुद बाहुबली को मारूंगा, तो यहाँ पे जो ये खुद मारेगा ना, यहाँ पे जो करता है ये काम खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये खुद आ गया सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट का बन जाता है माय सेल्फ। याद रखना, मैं भी लिखवा दूंगा आपको, तो यहाँ पे आई विल किल बाहुबली माय सेल्फ, यहाँ पे क्योंकि आई सब्जेक्ट था इसलिए माय सेल्फ आया, नहीं तो अगर बोलता कि वह खुद बाहुबली को मारेगा, वह होता तो हिमसेल्फ हो जाता। मैंने कहा वे खुद बाहुबली को मारेंगे, वे है तो दे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसको हो जाएगा देमसेल्फ। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, उसके हिसाब से ही आपको
ये myself, himself, yourself समझ में आएंगे। दूसरा अगर हम देखें, देखो इसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, इसमें कर्ता को खुद ही काम करना पड़ता है, इसमें किसी और के ऊपर टाल नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाक्य में कर्ता खुद काम करे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जिसमें कर्ता स्वयं काम करे। तो इसमें जो बलाल देवे कहते हैं कि मैं खुद ही बाहुबली को मारूंगा, तो आई विल किल माई सेल्फ टू बाहुबली, तो यहाँ पे माई सेल्फ सबसे पीछे आएगा। लेकिन खुद की जगह पे, खुद की जगह पे अगर खुद ही आ जाए, खुद ही, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें तो गुंजाइश है कि आप किसी और से काम करवा सकते हो, लेकिन जब मैं बोलूँ तुम तो खुद ही बाहुबली को मारोगे, तो इसमें आप किसी और से काम करवा ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें आप किसी और से काम नहीं करवा पाएंगे, तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा समझनी है। जैसे कि आई माई सेल्फ विल किल बाहुबली, तो देखो यहाँ पे माई सेल्फ जो है, यहाँ पे माई सेल्फ सेंटेंस में सबसे पीछे आया, लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ सेंटेंस के सबसे शुरुआत के बाद में आया। मैं खुद ही बाहुबली को मारूंगा, आई माई सेल्फ विल किल बाहुबली। अगर यहाँ पे ऐसे होता, मैं को हटाता मैं और मैं लिखता वह खुद ही बाहुबली को मारेगा, तो वह के लिए हम यहाँ पे लगाते ही, यहाँ पे लगाते ही, और ही के लिए हिमसेल्फ का यूज नहीं होता, और सॉरी माई सेल्फ का यूज नहीं होता, यूज होता है हिमसेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पे, जब वाक्य में कर्ता पर जोर दिया जाता है तो इंसेंटिव प्रोनाउन का प्रयोग करा जाता है, इंसेंटिव प्रोनाउन का। यानी कि दो तरीके से है ऑप्शन, एक ऑप्शन है मैं खुद पानी भर रहा हूं और मैं खुद ही पानी भर रहा हूं, इन दोनों में बस एक अंतर है। जब मैं बोलता हूं मैं खुद पानी भर रहा हूं, तो इसमें किसी और से काम करवाया जा सकता है, लेकिन मैं खुद ही पानी भर रहा हूं, इसमें किसी और से काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। बस ये अंतर है छोटा सा। अब एक और अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे खुद है और कटप्पा ने बाहुबली की हत्या कर दी थी, तो यहाँ पे कटप्पा ही का रूप है भाई, है ना, ही का रूप है, तो ही के लिए क्या जाता है हिमसेल्फ। तो यहाँ पे जब इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, देखो इसमें है खुद और इसमें है खुद ही, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये हो गया आपका इंटेंसिव प्रोनाउन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। मैंने कहा साहिल खुद पानी भरेगा या साहिल खुद ही पानी भरेगा, इन दोनों में अंतर है। जब साहिल खुद पानी भरेगा तो साहिल किसी और से काम करवा सकता है, लेकिन जब साहिल खुद ही पानी भरेगा तो साहिल इसमें किसी और से काम नहीं करवा सकता। तो दिस इज द डिफरेंट। आ देखो यहाँ पे कटप्पा किल्ड बाहुबली हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कटप्पा जो था ही का रूप था, इसी वजह से। अभी यहाँ पे देवसेना खुद ही बाहुबली की हत्या करेगी, तो देवसेना शी का रूप होता, तो उसके लिए हम यहाँ पे हरसेल्फ लिख देते, ठीक है। और कटप्पा ने खुद ही बाहुबली को मारा, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो खुद ही आया है ना, तो जो हिमसेल्फ है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, कटप्पा हिमसेल्फ। ये देखो कटप्पा हिमसेल्फ किल्ड बाहुबली। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इंसेंटिव इंसेंटिव प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो भी खुद होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, और जो खुद ही होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। अब दूसरा है योरसेल्फ और योरसेल्फ, इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों को हम योरसेल्फ पढ़ते हैं और दोनों ही लिखे जाते हैं, लेकिन स्थितियां बदल जाती है दोनों की। जैसे नंबर वन, तुम खुद दिल्ली से जाओगे, तुम खुद दिल्ली से जाओगे, तो जब यहाँ पे तुम खुद दिल्ली से जाओगे ना, तो यहाँ पे कोई एक होगा, यहाँ पे कोई एक होगा तुम के लिए, हमेशा यू के लिए लगता है तुम। तो यहाँ पे देखो यू विल गो फ्रॉम दिल्ली योरसेल्फ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कोई एक, कोई एक। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि तुम खुद दिल्ली से जाओगे, तो इस खुद के अंदर ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो जब तुम में बहुत सारे होते हैं तो योरसेल्फ आता है, यानी कि मोर देन वन। यानी कि मैंने कहा तुम खुद
पानी भरते हो, तो यहाँ पे अगर एक है तो यू फिल वाटर योर सेल्फ, ऊपर वाला ये वाला। लेकिन तुम खुद पानी भरते हो और इस तुम में बहुत सारे हो गए तुम, यानी कि बहुत सारे लोग, जैसे दिल्ली सरकार है, यहाँ पे दिल्ली सरकार में अकेला अरविंद केजरीवाल तो है ना, इसकी सरकार के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। तो अक्षय कुमार से बोल रहे हैं कि तुम खुद ही दिल्ली से जाओगे, तो यहाँ पे यू विल गो फ्रॉम दिल्ली योर सेल्फ, तो यहाँ पे सरकारें बहुत सारी है, इसीलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ इन दोनों में अंतर है। ठीक है, सो दिस इज योर टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड आई होप यू गॉट समथिंग।